नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। घटना देवघर जिले के जसीडी थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गांव की है। यहां शनिवार को किशन चौधरी की आत्महत्या के बाद कोहराम मच गया, क्योंकि उसकी मौत से पहले ही मां के शव का घर में अंतिम संस्कार का इंतजार करा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक किशन की मां को 3 साल पहले लकवा हो गया था, इस वजह से वे बीमार रहती थीं। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक जिस वक्त किशन की मां की मौत हुई, उस वक्त बाकी पूरा परिवार सारठ के सरपत्ता गांव गया हुआ था। वहां किसी रिश्तेदार का शादी समारोह था, घर पर केवल किशन का परिवार ही था। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन धीरे धीरे घर पहुंचने लगे। चूंकि विधान के मुताबिक दाह संस्कार देर शाम को नहीं किया जा रहा था, इसलिए शनिवार सुबह का इंतजार किया जाने लगा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य महिला के शव की देखरेख के चलते एक ही जगह सो गए। देर रात किशन अचानक अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दिन शनिवार को अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच किशन के दरवाजे को परिजनों ने खटखटाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। परिजन छत की ओर दौड़े और देखा कि लकड़ी की बल्ली पर रस्सी लगी हुई है और किशन का शव उस पर झूल रहा था। इसके बाद घर में मातम और गहरा हो गया। सूचना पर जसडी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां और बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि किशन दिहाड़ी मजदूरी करता था, लॉकडाउन के कारण उसे रोज मजदूरी नहीं मिल रही थी, परिवार चलाने में भी कठिनाइयां हो रही थी। वह जैसे तैसे मां की वृद्धा पेंशन और सरकारी राशन पर दिन गुजार रहा था। तभी मां की मौत के बाद उसके पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं बचे थे, इसी कारणवश उसने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली।